वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल SGSI डिक्टेशन क्लब। आज हम लोग दीपक प्रकाशन पेज नंबर 13 से अभ्यास नंबर 4 डिक्टेशन लिखेंगे। ये डिक्टेशन बिगिनर्स के लिए है। इसकी गति 40 शब्द प्रति मिनट रहेगी। जिन लोगों ने अभी अभी डिक्टेशन सीखा है या डिक्टेशन पर आए हैं, उन लोगों के लिए यह डिक्टेशन है। आप लोग लिखिए और हर एक शब्द को जो आपको नियमों में सिखाया गया है, उस शब्द को सोचकर आकृतियों में ढालने की कोशिश करें। यदि आपको कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए लिखते हैं। रेडी लिखिए। अध्यक्ष महोदय, आज देश के अंदर क्या हो रहा है, जनता सब कुछ देख रही है। पिछले दिनों कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में हुई अनुशासनहीनता से देश व प्रदेश की जनता क्या सीखेगी, स्टेशन पर मची भगदड़ में दर्जनों लोग घायल हुए और अस्पताल में भर्ती हो गए, परंतु अधिवेशन में इस बात का जिक्र तक नहीं किया गया कि भगदड़ क्यों हुई। यह तो ठीक है, पर ध्यान देने की बात तो यह है कि इस अधिवेशन में 1300 बावर्ची खाना बनाने में लगे थे और सभी प्रदेशों के स्वादिष्ट व्यंजनों को बनाया गया था। फिर भी कार्यकर्ताओं ने आदतन फल बाजार जाकर दुकानें लूटीं। इससे सिद्ध हो गया कि ये अधिवेशन किसी अनुशासित पार्टी का नहीं बल्कि लुटेरों का अधिवेशन है। दूसरी ओर रुष्ट वरिष्ठ कार्यकर्ता सुश्री ममता बनर्जी ने एक अलग मंच का संबोधन करते हुए वहां जाकर जो भाषण दिया, उसे भीषण भीड़ ने ध्यान पूर्वक सुना और कांग्रेस का एक विधिवत आयोजन हो गया।
यह बात और है कि इस अधिवेशन में सोनिया गांधी की तस्वीर टांगी गई, क्योंकि उन्होंने इस अधिवेशन में अपनी उपस्थिति जताने की मौन सहमति दे दी थी। पैराग्राफ चेंज। इस अधिवेशन का महत्व इस दृष्टि से अधिक है कि इसमें पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव द्वारा निकाले हवाला मंत्री श्री सिंधिया अर्जुन सिंह को पार्टी में शामिल कर मंच पर बोलने की अनुमति प्रदान की। स्टॉप।